अक्सर कहा करते हैं कि मंजिल मिले ना मिले हमें इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवां तो है, तो क्या मंजिल वास्तव में मिलेगी या सिर्फ कारवां ही बन के रह जाएगा? अगर आदमी ये सोचे कि उसको परिणाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एक विशेष कार्य के, तब तो वो कार्य ही नहीं करे। वो सुना है ना भाई साहब कि जब से चला हूँ मंजिल की ओर कभी मील का पत्थर नहीं देखा, कितना किलोमीटर गए वो इतना पहुँच गए, मील का पत्थर नहीं देखा। तो मंजिल मिले ना मिले, भैया शिव को पाना तो आसान नहीं है, शिव तक पहुंचना तो आसान नहीं है, लेकिन उस दिशा में चलने में क्या है? चलेंगे हम? मैं बहुत पहले कहा करता था, मेरे पिताजी बहुत क्रुद्ध होते थे मुझ पर कि तू अपना काम छोड़ के सब कौन धंधा करता है, महादेव महादेव क्या करता है। तो हम कहते थे कि कोई गंदी आदत किसी बेटे में हो और बेटा सहना हो गया, मैं तो डिप्टी कलेक्टर हो गया था, तो पिता की बात नहीं सुनता है। पिता लाख समझाता है कि गंदी आदत छोड़ो, वो सुनता ही नहीं। अंत में पिता दरकिनार हो जाते हैं, खुद ही दरकिनार हो जाते हैं, तू नहीं छोड़ता। तो हमने कहा कि मैं महादेव महादेव करता हूँ, देखता हूँ यहाँ क्या होता है। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मंजिल मिलेगी ना मिलेगी, शिव की ओर चलना है। कम से कम जगत को, दुनिया को, दुनिया के लोगों को शिवोन्मुख किया जाए, कोशिश की जाए कि उनमें शिव का भाव उतरे, शिव जैसा उनमें आचरण हो, अशिव का आचरण कम से कम नहीं हो। जी भाई, ओम जी हैं विराटनगर नेपाल से, कि शिष्य अनुभूति में आपने लिखा है कि किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार नहीं है। तो गुरु की साकार स्थिति क्या है, निराकार स्थिति क्या है, किस स्थिति में हम निराकार को स्वीकार करें या साकार को अंगीकार करें? देखिए, आप भी साकार हैं कि नहीं है इस पर संदेह, ये उनका सवाल है। ओम जी नेपाल। ओम जी, आप शरीर हैं कि शरीर से अलग हैं? ये आपका शरीर है, ये एक पर्टिकुलर एक आदमी का शरीर है। आप तो मन भी नहीं है, क्यों? आपकी आप कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, बाजार नहीं जाएंगे। जैसे आदमी बोलता है कि आज मेरा पांव दर्द कर रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तो पांव थोड़ी, मेरी चप्पल टूट गई है, इसका मतलब आप चप्पल हैं। मेरा मन दुखी है, इसका मतलब आप मन है? आप मन भी नहीं है, आप शरीर। शरीर कितने अवयव बदल जाते हैं, आप चिकित्सा विज्ञान देखिए, चिकित्सकों द्वारा बदल दिए जाते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं, तब भी आप वही रहते हैं। शरीर के अंग प्रत्यंग बदल जाते हैं, दूसरे अंग लग जाते हैं, तब भी आप वही रहते हैं, आप नहीं बदलते हैं। आप मन भी नहीं है, आप हैं कौन? Who are you? आप कौन है? वो साकार है कि निराकार है? अभी साकार है, लेकिन ये आकार तो उसका बदल रहा है। छोटा सा बच्चा गोदी में एक दिन इतना बूढ़ा हो गया, फोटो पहचानिएगा। मेरी बचपन की तस्वीर देख के जिसने नहीं जाना है वो नहीं कर सकता यही हरिनारायण है। बचपन का आकार बदल गया, शरीर बदल गया, रूप रंग बदल गया, सब बदल गया, लेकिन हरिनारायण तो है, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो देखिए, वो आकार तो बदला, हरिनारायण का कोई आकार तो है नहीं, अभी आकार है जो बदल रहा है, बदलता जा रहा। इस शिव के साथ भी है, आकार माने तो शिव साकार हैं, आकार नहीं माने तो विश्व मूर्ति कहा ही जाता है। नमस्ते नमस्ते, वो विश्व मूर्ति, वो विश्व की मूर्ति है, दिशाएं उनका पोशाक है, अंबर है। तो व्यक्ति को जो मन करे, वो साकार स्थिति हो या निराकार स्थिति हो, कदम तो बढ़ाए, साकार को पकड़ना थोड़ा आसान होता है, लेकिन निराकार ही साकार कोई भी मान लीजिएगा तो नहीं ना चलेगा। हमको आप शरीर में मान लीजिएगा तो कैसे चलेगा? मेरे मरने के बाद एक सत्ता थी हरिनारायण, जिसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, बुरा किया, अच्छा किया,
इसीलिए निराकार साकार में बहुत माथा नहीं लगाना है, जो साकार है उसी में निराकार है, जो निराकार है उसी में साकार है। बहन नीलू जी है मिजोरम से, साहब आपसे सुना है कि लौकिक जीवन में पारलौकिक को शामिल करो तो जीवन सुंदर हो जाएगा, और पारलौकिक में लौकिक को शामिल मत करो। आखिर यह लौकिक पारलौकिक क्या है? इस लोक को जब आप परलोक के सिद्धांतों और कर्मों में शामिल करेंगे तो क्या पड़ेगा? और उस लोक को इसमें शामिल करिए, ये सुंदर है। जैसे धरती पर का कोई काम है उसमें शिव को शामिल कीजिए, उसमें अपने गुरु को शामिल कीजिए, वो काम सुंदर होगा। आपकी आपकी थकान कम हो जाएगी, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। विज्ञान कहता है कि सूक्ष्म कामों में किया गया या दूसरों की सहायता में किया गया काम में मन थकता नहीं है, शरीर थकता नहीं है, कम थकता है। तो क्या कह रहे थे जी? लौकिक पर। हाँ, तो इस लोक में अगर पर लोक को आप शामिल करेंगे, वैसे शामिल है वो जी। उसको हटा नहीं सकते आप, करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। जगत में तरह तरह के भाव हैं, वहाँ कुछ भाव नहीं चलते, लेकिन वहाँ के भाव को यहाँ शामिल करेंगे तो जगत सुंदर हो जाएगा। शिव को जगत में शामिल करिए, जगत बहुत सुंदर हो जाएगा। जगत को शिव में शामिल कीजिएगा तो हर राजनीति चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। जी भाई सतीश जी हैं बक्सर बिहार से, क्या जो लोग नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करने का प्रयास करते हैं उनको महामृत्युंजय जप, पार्थिव शिवलिंग पूजन या रुद्राभिषेक आदि की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं? नमः शिवाय करने वालों को शिव के से संबंधित अन्य पूजा पाठ करने की आवश्यकता पड़ सकती है या नहीं, ये सवाल है ना? जी। देखिए, नमः शिवाय शिव का संपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय जो मंत्र है उसका अर्थ शिव को प्रणाम है। शिव के हजारों नाम हैं, वो हजारों नामों को प्रणाम जाता है। एक शिव को प्रणाम करिए तो सबको प्रणाम, हरिनाम को प्रणाम करिए तो सबको प्रणाम जाएगा। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी भी था, मैं ड्राइवर भी हूँ, बहुत काम मैं जानता हूँ। तो वो सारे काम को एक साथ हम ही को प्रणाम कर लिया तो सब काम हो गए। मुझको आप कहें कि मुझको गाड़ी चले से ले जाके वहाँ पहुँचा दिए, मैं पहुँचा दूँगा, मेरा काम ड्राइवर करना थोड़ी है। लेकिन हरिनाम से जुड़े हैं तो हमको जो जो आता है वो काम मैं आपको कर दूँगा। तो शिव से जब जुड़िएगा, कहा जाता है नमः शिवाय शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम है। समग्र उनके जितने स्वरूप हैं, अपने रूप हैं, रूप तो जगत भी है, स्वरूप भी उनके जितने हैं, महाकाल हैं, मृत्युंजय हैं, अघोरेश्वर हैं, महादेव हैं, शिव के समग्र स्वरूप को नमः शिवाय प्रणाम करता है, प्रणाम निवेदित करता है नमः शिवाय। अब जप करते हैं आप, जप अगर मंत्रों का जप अगर सही ढंग से करते हैं, यानी उसमें भाव प्रणाम हो रहा है, नमः शिवाय का मानी अगर चैतन्य और अर्थ उसमें जा रहा है, आपके मन में आ रहा है, शिव को प्रणाम हो रहा है, अगर मन अनुक्रम से शिव को प्रणाम कर रहा है तो मेरा अपना विचार है किसी अन्य पूजा पाठ की कोई आवश्यकता नहीं है। और देवताओं को प्रसन्न करेंगे आप तो शिव प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन शिव को प्रसन्न कर लेंगे आप तो सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो नाम ही है महादेव, मैंने देवताओं में महादेव।